एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनीशा स्टाइल्स। मैं हूं अनीशा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये है कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि मैं अपने फेशियल हेयर जो है वो आराम से मैं घर पर ही कैसे रिमूव करती हूं। एस फ्रेंड्स, मैं आज उसका ना एक डिटेल वीडियो जो है वो है देना चाहती हूँ कि मैं अपना फेशियल हेयर जो है मैं रिमूव कैसे करती हूँ एंड मैं वन मंथ में एक बार जो है अपना फेशियल हेयर जो है रिमूव करती हूँ। कुछ लोग जो है वह 15 डेज में ही अपना फेशियल हेयर रिमूव करते हैं एंड मैं वन मंथ एक बार ही मैं अपना हेयर जो है वो पूरी तरह से रिमूव करती हूँ। एंड मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ कि ये वीट का बॉडी स्ट्रिप एस्ट्रेंस, ये ना मैं अपने फेस के लिए यूज़ करती हूँ एंड मैंने ऑलरेडी मैंने इसे यूज़ भी किया है एक बार। एंड इसमें जो है आपको 8 स्ट्रिप्स मिलते हैं एंड आपको पार्लर जैसा ही वैक्स आपको आराम से घर पर ही मिलेगा ओनली अंडर ₹99। एंड ये आपको कैसा यूज़ करना चाहिए, द प्रोसीजर आपको सब कुछ लिखा होगा इधर पर, आपको सब कुछ मेंशन किया होगा। नॉट ओनली बॉडी पर ही, फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं एंड मैंने इसे यूज़ किया है। इसका जो है ओनली 3 स्टेप्स, पील अप्लाई एंड पुल। एंड इसमें जो है आपको 3 फ्लेवर जो है आपको मिलते हैं, ये शिया बटर का है एंड मैंने इसे यूज़ किया है एंड मेरे फेस पर जो है कुछ भी रुकसान, मतलब कुछ भी डैमेज वगैरह नहीं हुआ है मेरे फेस पर। एंड आपको इधर भी सब कुछ मेंशन कर देते हैं, आपको चाहे तो आप पूरी बॉडी पर भी वैक्स कर सकते हो, मतलब लेग्स पर, हैंड्स पर। आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब पार्लर में तो बहुत अमाउंट जो है वह खर्चा होगा, आपको सिंपल से ही घर पर ही कर सकते हो। एंड ये मैंने पिछली बार किया है, इसका थोड़ा सा पीस जो है वह बच चुका है एंड आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब एक में आपको 2 मिलेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा। इसमें जो है आपको वाइप्स भी मिलेंगे, मतलब जब आप अपना हेयर जो है अपना वैक्स कराने के बाद जो है चिपचिपाहट स्टिकीनेस होता है ना, उसके वजह से आपको एक सेपरेट सा ऐसा वाइप भी जो है आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप सिंपल सा कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोकोनट ऑयल अप्लाई कर ना आप आराम से उसे वाइप आउट भी कर सकते हो। मतलब ये आपको या आपके पास ना हो तो, क्योंकि ये 2 ही है, मैंने ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। एंड जो है आपको ऐसा एक पेपर भी मिलेगा, मतलब पूरा लिखा हुआ आपको कैसा पील करना है, आपको कैसा अप्लाई करना है, कैसा पुल करना है, सब कुछ आपको इधर डिटेल में आपको लिख कर रहेगा। एंड इसमें जो है आपको 3 फ्लेवर्स में मिल जाएंगे, मैं जो है आपको ये फ्लेवर में यूज़ कर रही हूँ, मतलब ये कुछ शिया बटर है। ये में जो लिखा है कि ये 3 फ्लेवर्स में जो है वो है अवेलेबल होंगे एंड जो फर्स्ट है कि शिया बटर एंड बेरी फॉर नॉर्मल स्किन, जैसे मैं ये यूज़ कर रही हूँ ये नॉर्मल स्किन के लिए है, एंड एलोवेरा एंड लोटस फॉर ड्राई स्किन। आपकी ड्राई स्किन हो तो आप एलोवेरा एंड लोटस का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड सेंसिटिव स्किन के लिए विटामिन ई एंड आलमंड ऑयल, आपका सेंसिटिव स्किन हो तो आप विटामिन ई एंड आलमंड ऑयल का भी आप ऐसे वैक्स स्ट्रिप जो है आप परचेज कर। सपोज आप पहली बार जो है ऐसे वैक्स स्ट्रिप जो है आप ट्राई करने वाले हो तो आपको जो पहले आपको पैस्टेट वगैरह करना है, पैस्टेस्ट करने के बाद आपको 24 आवर्स तक मतलब ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, कुछ भी आपको लगाना नहीं चाहिए। 24 आवर्स के बाद जो है आप देख लीजिए आपका स्किन जो है इरिटेशन, बर्निंग या कुछ भी आपको इचीनेस कुछ भी नहीं हो रहा हो तो मतलब आपको जो है ये वर्क कर रहा है आपके फेस पर, चाहे आपके फेस पर हो चाहे आपके बॉडी पर हो। एंड हमेशा आपको टेस्ट कर लेना चाहिए, ऐसे ही यूज़ नहीं करना चाहिए कुछ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में जो है वो है मूव ऑन करते हैं। वीडियो में मूव ऑन करने से पहले आपको करना है बस 2 ही काम, इस चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड बेल बटन को भी ऑन करना है, क्योंकि मेरे जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास जल्द से जल्द आ जाएंगे। और कीजिए फ्रेंड्स मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनीशा स्टाइल्स
एंड चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के लिए वीडियो में मूव ऑन हो जाता। मैं बता रही हूँ कि आपको एक टैलकम पाउडर की भी ज़रूरत होती है एंड एक सीजर भी आपके पास जो है आपको कैरी करना चाहिए, क्योंकि आप इस वैक्स स्ट्रिप्स को जो है ऐसे पीसेस में जो है आपको कट कर लेना चाहिए। इसलिए मतलब इतना बड़ा वैक्स स्ट्रिप ना आप यूज़ नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसा आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा, इसीलिए आपको कट कर करना आराम से इसे यूज़ करना चाहिए। मतलब ये दो चीज़ तो आपको इम्पॉर्टेंट रखना ही है जब आप वैक्सिंग करते टाइम अपने फेस, आप वैक्सिंग करना स्टार्ट करते हो ना, तब आपको अपना हेयर जो है अच्छे से एक बैंड की मदद से अच्छे से सिक्योर कर लेना चाहिए। नहीं तो आपके पास फेशियल बैंड हो तो आप फेशियल बैंड भी लगा सकते हो, क्योंकि इधर हेयर मतलब हमको ओनली अनवांटेड हेयर जो है वो है वो एक ही रिमूव करना है, बाकी का हेयर जो है रिमूव नहीं करना है। इसलिए हमको आराम से ऐसा प्रोटेक्ट जो है वो है मिलता है। हमारे वैक्स करने से पहले हमको हमारा फेस जो है वो है अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए विद कौन सा भी अच्छा एक क्लेंज फेस वॉश से या क्लेंजिंग से। आप अच्छे से पहले अपना फेस जो है वो अच्छे से क्लीन कर लीजिए एंड उसके बाद आपका स्किन जो है वो पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए, कुछ भी वेट वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर जो है वो है अप्लाई कर लेती हूँ। टैल्कम पाउडर इसलिए अप्लाई करते हैं कि जब हम वैक्स करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा हेयर जो है वो थोड़ा सा स्मूथ होगा, मतलब आराम से वैक्स स्ट्रिप में जो है वो है आ जाएगा। इसीलिए ये टीनेजर्स के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। टीनेजर्स हो तो आप यूज़ मत कीजिए, नहीं तो आपको यूज़ करना हो तो पहले आप पैच टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप आराम से यूज़ कीजिए। क्योंकि जब हम टीनेजर्स होते हैं ना, हमारा स्किन बहुत सेंसिटिव होता है। मेरा स्किन अभी भी सेंसिटिव है एंड इसलिए मैंने थ्रेडिंग यूज़ किया, थ्रेडिंग वर्कआउट ही नहीं हुआ मेरे फेस पर। एंड उसके बाद मैंने ट्रिमिंग भी किया है ट्रिमर से, वो भी वर्कआउट नहीं हुआ है। एंड इसलिए जो लास्ट जो मैंने मन्नत मांग कर ना मैंने ये यूज़ किया है एंड ये बहुत अच्छा वर्क किया है मेरे फेस पर, इसलिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा लास्ट चॉइस है एंड मैं इसी से ही मैं अपना फेशियल हेयर जो है वो आज रिमूव करने वाली हूँ। मैं स्ट्रिप यूज़ करते वक्त ना हमारे दोनों हैंड्स के बीच में रखकर थोड़ा सा ऐसा एक 2 to 3 minutes अच्छे से ऐसा रब कर लेना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा हीट होकर ना वैक्स के लिए ये रेडी हो जाता है। ये स्ट्रिप थोड़ा सा ऐसा हम जब आप वैक्स स्ट्रिप अप्लाई करने के बाद जो है आप रिमूव करते वक्त ना आपको ऐसा डायरेक्शन में आपको रिमूव करना है, क्योंकि हमारा हेयर जो है इस डायरेक्शन में ग्रोथ होता है। हमको इस डायरेक्शन में हमको पील करना चाहिए, हमको एक ही बार पील करना चाहिए, हमेशा उस डायरेक्शन में 2-3 बार अप्लाई करने के बाद भी ना हमारा स्किन जो है वो है डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। मैं आगे वीडियो में आपको बताती हूँ, आपको बिल्कुल वैसे ही आपको स्टेप्स जो है आपको फॉलो करना चाहिए। बाद में यहाँ पर पील करती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर एक डायरेक्शन पे मैं अप्लाई करूँगी एंड अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सा ऐसा रब कर एंड उसके बाद आपको बहुत फोर्सफुली इसे निकालना है। एंड अब आप देख लीजिए कितना हेयर जो है वो है निकल गया है। बाद में फिर इसी स्ट्रिप को ना मैं दोबारा यूज़ कर रही हूँ, मतलब इस डायरेक्शन पर नहीं, मैं यहाँ पर मैं फिर अप्लाई करूँगी जब तक इसका टेक्सचर जो है वो नहीं ख़त्म होता है, तब तक हमें इसे यूज़ कर लेना ही चाहिए। जो है मैं थर्ड वही स्ट्रिप में यहाँ पर लगा रही हूँ मैंने एक स्ट्रिप को जो है वो है 4 times यूज़ किया है एंड इसका टेक्सचर कुछ चला गया है। एंड उसके बाद जो है आज जो है मैं नेक्स्ट यहाँ पर यूज़ करूँगी और
आपको एक ही बार में बहुत हार्डली आपको पुल कर लेना चाहिए एंड आपको धीरे से पुल नहीं करना है। एंड मैं फिर उसी स्ट्रिप का मैं इधर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं इधर अप्लाई कर लेती हूँ। जब आप इधर पुल करते टाइम ना आपका फेस जो है थोड़ा सा टाइटली आपको होल्ड कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको ऐसा रख कर ना ऐसा पील कर ले। न्यू स्ट्रिप जो है मैं ले रही हूँ, इधर आपके सामने ही मैं ले रही हूँ एंड उधर इसे मैं जो है मैं कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे अभी फोरहेड का हेयर भी जो है वो है निकालना है एंड फिर से मैं इसे आपको रब करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा वार्म हो जाता है एंड बहुत अच्छे से हमारा वैक्स जो है बहुत अच्छे से हो। जो है मैं अपना अपर लिप जो है मैं हेयर रिमूव करूँगी। आप देख लीजिए मैं किस डायरेक्शन पर अपना हेयर जो है वो है रिमूव करती हूँ, मतलब हमारा हेयर इस डायरेक्शन पर होंगे तो हमें इस डायरेक्शन पर हमको पुल कर ले। कुछ अपना लिप्स जो है आपको ऐसा रखना है अपर लिप के हेयर। जब आप रिमूव करेंगे तो बहुत दर्द होगा, मतलब आपको बेयर करना चाहिए उस पेन को एंड इधर के जो है वो पूरी तरह से रिमूव हो चुके हैं एंड इधर पर मैं फिर से रिमूव कर रही हूँ। आपको ऐसा रखना है, अपने लिप्स को टाइटली होल्ड करना है। थोड़ा सा प्याज जो है इधर थोड़े से मिडिल पर अपने हेयर जो है वो है रह जाते हैं। एंड थोड़ा सा हमको ऐसे लगाकर टाइटली हमको होल्ड कर लेना चाहिए। इट्स वर्किंग, बहुत अच्छी तरह से वर्क हो चुका है। अब आप मेरा हेयर जो है वह देख सकते हो। मैं थोड़ा सा कैमरा सामने लगा कर आपको दिखाती हूँ। इधर ब्लैक ब्लैक जो है सब कुछ सारे मेरे हेयर है जो है। मैं यहाँ पर अपना चिन का हेयर जो है वो भी निकाल लेती हूँ। आपको इसे अच्छे से टाइम टेकन लेकर आपको अच्छे से करना है, बहुत पेशेंस से करना है। बहुत जो है मैं उसी स्ट्रिप को अपने नोज पर रखती हूँ। मतलब आपको ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम हो तो उसे भी आपको आराम से रिमूव कर देगा ये। उसके बाद बारी आती है मेरी फोरहेड की। थोड़ा सा मैं टैल्कम पाउडर फिर से अप्लाई करती हूँ। मैंने अब ये वैक्स स्ट्रिप्स को जो है मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है, क्योंकि ये बड़ा है मेरा फोरहेड पर। मैंने छोटे छोटे इसके दो स्ट्राइप जो है एक जो है अपने फोरहेड पर अप्लाई किया है।
मतलब मैं इसका थोड़ा सा बड़ा स्ट्रिप जो है मैंने कट कर लिया है इसकी वजह से। एंड आप जब फोरहेड पर लगा रहे तो बहुत ध्यान से आपको लगाना है। बाद मैं इधर का जो है वो है हेयर निकाल लेती हूँ। बहुत ध्यान से हमें निकालना है क्योंकि हमारा आई एरिया को जो है वो है इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बाद मेरा फेस जो है वो काफी चिपचिपा है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर ये वैक्स स्ट्रिप जो है मैं यूज़ नहीं करूँगी इसका इस्तेमाल। एंड मैं यूज़ करूँगी कोकोनट ऑयल का। इस भी अपना फेशियल हेयर रिमूव कर किए हुए 1 मंथ के ऊपर हो चुका है, इसलिए मैं आज आपके साथ जो है वो है शेयर करना चाहती हूँ, शेयर किया है। थोड़ा सा आपको ऐसा कोकोनट ऑयल आपको ऐसा अप्लाई कर लेना है। मैंने ऑयल जो है वो है अप्लाई कर लिया है। अब आप देख सकते हो मेरा फेस, मैंने फेस जो है वो वॉश नहीं किया है, बस मैंने ऐसे ही छोड़ दूंगी उसे। एंड मैं कुछ भी फेस वॉश वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करूंगी, ओनली प्लेन वाटर से अपना फेस जो है वो है वॉश कर लूंगी। एंड इन केस आपको कोई भी बर्निंग सेंसेशन या कोई भी आपको इचीनेस आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा हो तो आप तुरंत आइस क्यूब लेकर आप अप्लाई कीजिए। एंड मेरा तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, मैंने ऑयल अप्लाई किया है, थोड़ा सा बेटर फील लग रहा है मेरे फेस पर। एंड आपको 24 आवर्स तक अपने फेस पर जो है ओनली प्लेन वाटर का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए, आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए अपने फेस पर। मैं 24 आवर्स तक मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी इसे। इसका जो है मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट भी बताती हूँ। इसका मैन्युफैक्चर हुआ है 10/20 को एंड इसका एक्सपायरी हो रहा है 10/23 को, मतलब आपको काफ़ी टाइम है यूज़ करने के लिए। आप आराम से ओनली 99 रुपीज़ में आप अच्छे से ऐसे स्ट्रिप्स खरीद कर आप अपना टोटल बॉडी वैक्स भी कर सकते हो, आपका फेशियल हेयर भी जो है आप रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्स। एंड मैंने ये लोकल से परचेस किया है। एंड आपको ऑनलाइन परचेस करना हो तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगी, आप आराम से जाकर उधर भी परचेस कर सकते हो। नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है ऑनलाइन, आपको इसे ऑफलाइन में ही आपको मिल जाए। फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो या थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो पर एक ज़रूर सा एक लाइक कीजिए फ्रेंड्स। और चैनल पर नए हो तो पहली बार देख रहे हो तो पहली बार विजिट कर रहे हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एंड कीजिए फ्रेंड्स मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है कैनिशा स्टाइल्स। एंड फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन फ्रेंड्स टेक केयर, बाय।